अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो आज हमारे साथ शख्सियत हैं, शी इज अ वेरी एनर्जेटिक यंग एंड अ वेरी फाइन पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, एंड शी इज करेंटली डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सो लेट मी टेक दिस प्रिविलेज टू वेलकम मिस रुताबा तारिक। अस्सलाम वालेकुम रुताबा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Thanks a lot for joining us. क्या हाल है? How do you feel coming onto this platform? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ और I feel very honored actually. So nice of you. अच्छा जी, आज topic के अलावा we'll like to discuss the people is a very important one. ये ever since this COVID-19 started internationally बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें से एक बड़ी चीज है चाइना की सही मायनों में इमर्जेंस एज अ थ्रेट। तो बिफोर वी गो फर्दर, व्हाट डू यू कमेंट ऑन दिस? आई थिंक एनीबॉडी हु इज फॉलोइंग इंटरनेशनल अफेयर्स, उसको अंदाजा होना चाहिए कि चाइना की इमर्जेंस कोविड के बाद की नहीं है, उससे पहले की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैज़ बीन वर्किंग इन फेवर ऑफ चाइना। इन पर्टिकुलर 2010 में आई बिलीव चाइना ओवरटुक जापान एज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दैट इज़ वेयर चाइना रियली हैड दैट क्लाउड। वहाँ पे उनको इतनी पावर और कॉन्फिडेंस मिली कि अपने फॉरेन अफेयर्स को, अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को और स्ट्रेंथन कर सके। फॉर मी दैट्स द डिस्टिंक्शन कि उनकी इकोनॉमिक पावर को इंसाइट्स विद देयर राइजिंग पावर इन द वर्ल्ड। पर हाँ, जहाँ तक बात रही कोविड की, पेंडेमिक की, उसका रोल हम निसार बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ये तो नहीं जानती कि कोविड की वजह से चाइना और एग्रेसिव हो गया, पर ये ज़रूर जानती हूँ कि कोविड की वजह से एक एडवांटेज जो बहुत सी रिजीम्स को, स्पेसिफिकली अथॉरिटेरियन रिजीम्स को मिली है, वो ये है कि न्यूज़ के अंदर लोगों की गुफ्तगू में सिर्फ पेंडेमिक ही पेंडेमिक की बात हो रही है। इसके बैकड्रॉप में कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लिए, वो सब लॉज इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है जो यूजली जिनके ऊपर उनको स्क्रूटनी ज़्यादा होती है। ये भी याद रखें लोग कि जब पेंडेमिक के अंदर एक्सेप्शनल रूल्स और लॉज आ रहे थे, यानी कि पब्लिक गैदरिंग मना हो रही थी, इसका मतलब है कि प्रोटेस्ट के ऊपर भी रोकथाम गवर्नमेंट्स के लिए करना आसान हो गया, राइट? सो वो जो चीज़ें जो बेसिकली पब्लिक इस्तेमाल करती है अपने राइट्स के बारे में बात करने के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, गैदरिंग हो, कम्युनिटी बिल्डिंग हो, वो सब का रोकथाम अथॉरिटी रिजीम्स को मिल गया। ऐसे भी चाइना नहीं, बाय द वे जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। इनफैक्ट इसराइल ने अपने वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को कहा था कि वो जुलाई में कर देंगे। सो लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट एज वेल। तो या अ लॉट ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स आई थिंक आर गेटिंग अ पास ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। एब्सोल्युटली, यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट। और इसमें आपको पता है बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं जिसमें लोगों की अटेंशन नहीं जा रही। फॉर इंस्टेंस 5G जितनी तेजी से इस ड्यूरिंग पैंडमिक इंस्टॉल्ड किए गए हैं, इसकी भी एक कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी तेजी से। हालांकि सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन 5G इंस्टॉल्ड हुआ और किस तरह से इंग्लैंड से लगा के हर जगह पे अब वो इंस्टॉल्ड हो रहा है, ये भी एक चीज है जिसपे लोगों की अटेंशन नहीं गई है। अमेरिका में जो हुआ वहां लोगों की अटेंशन नहीं गई। लेकिन इसमें एक चीज और रुताबा आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट ऑन दिस, कि देखो UN के अंदर किस तरीके से चाइना ने साइडलाइन करने की कोशिश की है US को बाय ब्रिंगिंग ताइवान इनटू डिस्कशन, बाय ब्रिंगिंग सो मेनी अदर कंट्रीज जिसको पहले लाया भी नहीं जाता था। व्हाट डू यू थिंक? यू नो, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आई थिंक चाइनीज पर्सपेक्टिव के लिए द टाइम इज़ राइट, यू नो। एंड आई वुड, मैं थोड़ा सा पीछे खींचूंगी, UN से भी डिस्कशन पीछे खींचूंगी और जनरली चाइना की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के बारे में थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगी। हिस्टोरिकली स्पीकिंग चाइना एक बंद कंट्री थी, आइसोलेटेड कंट्री थी, चाइना का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। चाइना वॉज वन ऑफ द लास्ट कंट्री जिसने अपने डोर्स दुनिया के लिए खोले, अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोली। एंड उसके बावजूद, उसके बाद भी बहुत स्लो, बहुत स्टेडी, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपनी उन्होंने पार्टिसिपेशन स्टार्ट की। इनफैक्ट इट विल नॉट बी अनफेयर टू से कि चाइना वॉज वन ऑफ द ओनली पावरफुल कंट्रीज जिसने कभी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई नहीं की। उसने मीडिएटर का रोल प्ले किया, उसने बिल्कुल अपने स्टेटमेंट्स पास किए, लेकिन कभी भी इंटरवीन नहीं किया किसी भी जगह पे। और उसने सेम चीज डिमांड की दुनिया से, आई एम नॉट इंटरवीनिंग इन योर इशूज, डू नॉट इंटरवीन इन माई। और ये बहुत बड़ा पार्ट रहा है चाइना की फॉरन पॉलिसी अप्रोच का। बट I think you continue, the point you were making.
तो एंड अगेन आई गो बैक टू द फैक्ट कि चाइना बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद से इसकी डिप्लोमेसी में एक शिफ्ट भी आया जिसको कुछ स्कॉलर्स आर कॉलिंग वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. आई डोंट नो इफ यू रीड द डिप्लोमैट, बट अगर कोई भी बच्चे या बच्चे तो इसको सुन रहे जो इंटरेस्टेड है चाइना की डिप्लोमेसी में, वो डिप्लोमैट को जरूर पढ़ें और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में जरूर पढ़ें. वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का थीसिस बेसिकली ये है कि चाइना ने अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट अग्रेसिव कर दिया. पहले चाइना पैसिव था, अब एक्टिव हो गया है, ठीक है. और ये हर फ्रंट पे हो रहा है चाइना के साथ. इट्स नॉट जस्ट ट्विटर, बाय द वे, जहाँ पे चाइनीज डिप्लोमेट हैव बीन मोर वोकल देन दे एवर बीन, बट आल्सो देयर बॉर्डर्स जहाँ पे चाइना इज सो मच अग्रेसिव, वेदर यू टॉक अबाउट नेपाल, भूटान, इंडिया, इवन ताजिकिस्तान, यू नो, हर जगह पे देयर इज अ वेरी, देयर इज अ शो ऑफ अग्रेशन बाय चाइना. सो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू ब्रिंग आउट इशू जो हमेशा कंटेंशियस रहे हैं और उनके ऊपर क्विक क्लेम कर लेना. अब वो ताइवान है, अब वो हांगकॉन्ग है, क्योंकि अगर किसी कोई हांगकॉन्ग को भी फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ करें. हांगकॉन्ग बहुत कंटेंशियस इशू रहा है और पिछले 2 साल में तो सबसे ज़्यादा रहा है. देर हैव बीन अ कपल ऑफ लॉज जो चाइना के अंदर ऐसे पास हुए हैं जो हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी बहुत क्विकली स्ट्रिप कर रहा है. एंड वी आर एक्चुअली इंचिंग क्लोजर टूवर्ड चाइना taking complete control over Hong Kong. So the idea of an autonomous Hong Kong, wo marte ja raha hai, by the way. So yeah, I think in line of that speculation, it makes sense why China would be pushing agendas in the UN front. And not, I mean, and then the dusra jo pehlu hai iska wo ye hai ki United States is actually moving back. Wo apne steps piche khinch raha hai in sab multilateral forums se. ट्रंप के सब ने ही मेरे ख्याल से स्टेटमेंट सुने हैं, आपने भी ही सुने होंगे, दिस नथिंग न्यू. उसको यूएन बेकार लगता है, उसको नेटो बेकार लगती है. सो जो अमेरिकन ट्रस्ट था बिहाइंड दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. तो देयर इज अ वैक्यूम एंड हम सब जानते हैं, जितने भी आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं वो सब जानते हैं, जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो दूसरी कंट्री आती है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए. इवन अमेरिका ने तो यहाँ तक भी कह दिया ना कि हम अब फंड भी नहीं करेंगे जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को और ये जितनी भी हैं जो यूएन से रिलेटेड हैं, दे हैव इवन सेड कि हम इसका फंड भी अब नहीं करेंगे. अच्छा, एक चीज और चाइना की डिप्लोमेसी की, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट, लेट मी गिव अ वेरी क्विक कॉमेंट ऑन दिस, कि डिप्लोमेसी का स्टार्ट ही चाइना से होता है. फिर रिमेम्बर हान डायनेस्टी, एकेन एम्पायर, यानी यहाँ से डिप्लोमेसी की हिस्ट्री डिराइव होती है, वो भी चाइना से ही होती है. फिर ऑब्वियसली इनके अंदर कन्फ्यूशियस का एक बड़ा रोल रहा है, उसकी फिलॉसफी का बड़ा रोल रहा है, विच एक्चुअली ड्रिवन देम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे हैड. फिर माओजी तोंग का एक अलग मामला रहा, लेकिन अभी स्पेशली जो कश्मीर का मामला है, इसके अंदर चाइना की, वट इज दी स्पेसिफिक थिंग विच यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट चाइना इन रिलेट्स टू दिस, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया कहीं ना कहीं थ्रेट तो हुआ है आफ्टर स्पेशली when they made that lockdown, longer lockdown, then this pandemic came in, और अब China जिस तरह से उस border को hit कर रहा है, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, how do you take this? पहले तो the point on diplomacy की history even it dates back even the Chinese civilization actually, जब से tribes वगैरह हैं, तब से diplomacy चलती भी आ रही है, that's one point. Second, जब हम China, जब when you talk about specifically border clashes with respect to China, right? They're also very important because they're reshaping the regional politics, right? तो पहले उसमें तो इधर जस्ट कश्मीर के इशू पे आते हैं. द थिंग इज जो कश्मीर का एरिया, पीपल फॉरगेट कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है, देयर इज एक्चुअली कंटेंशियस लाइंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल. पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं कि देव नेवर हैड एनी इशूज ऑन देयर बॉर्डर. अगर रहे भी हैं तो बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस रहने की वजह से इट्स बीन सॉल्व रादर इजीली. पर इंडिया और चाइना में टेंशन रही है, दैट्स बीन सर्फेस लेवल टेंशन. बट रिसेंटली हुआ ये है कि देयर टू रिपोर्ट्स बाय द वे ऑन दिस अकाउंट, सो आई वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन बोथ ऑफ देम. कि एक तरफ से न्यूज़ आती है इंडिया की तरफ से कि बेसिकली चाइना स्टार्टेड द एग्रेशन, और इस तरह से वो बताते हैं इस चीज़ को कि चाइना ने बेसिकली उस लद्दाख के रीजन के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी. सो दे स्टार्टेड सीइंग मच इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग डेवलप्ड इन लद्दाख. लद्दाख इज अ वेरी रिमोट एरिया, बहुत ठंडा, बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं. सो व्हेन दैट हैपेंड, इंडिया सेड दैट दे गॉट वरीड, ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि चाइनीज अग्रेशन फॉलोड थ्रू एंड दे रिटेलिएटेड. On the Chinese end, they said that they noticed development on the Indian side, or India ne development infrastructure start kar di. So this was just their retaliation. ठीक है? No gunshots were fired, by the way. India और China की agreement रही थी उनकी last war के बाद के
हम आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे. एंड यहाँ पे जो फिगर आती है कि 20 इंडियंस डाइड, इट इज स्पेक्युलेटेड इट्स डाइड कि फिस्ट फाइट्स और लोहे की डंडिया वगैरह से इन्होंने एक्चुअली एक दूसरे को मारा था. चाइनीज कैजुअलिटीज हुई हैं कि नहीं हुई ये भी नहीं पता किसी को. और इसकी भी बहुत बड़ी वजह यह है कि चाइना का मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, बहुत मुश्किल से वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है. इनफैक्ट लद्दाख के इशू को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो मोर और लेस सैटेलाइट इमेजरी से आती है या सम रियली ब्रेव जर्नलिस्टिक वर्क बाय मैसिव न्यूज़पेपर्स. On the Indian end, which is very surprising, they haven't retaliated the way that people expected India to retaliate. You know, the worst case scenario jo unhone kiya wo TikTok ban kar diya, right? And kuch there've been exchange of some words, but nothing more than that. Effectively, China now has that particular area that was initially contentious. Ab wo now it calls as its own. I would love to go into the detail of the local politics as well in Ladakh, but I don't want to bore you. But the one thing I would like to mention at this point is ke I don't know kitne logon ko ye pata hai ki regional hegemon kya hota hai, global hegemon kya hota hai, aur hegemon ka word ka matlab kya hota hai. Jab hum first year mein hote the to humne hegemon ka padha tha, to basically my friends and I came with the easier term, which was ki kaun kitna bada gunda ban sakta hai apne ilake ka. Theek hai, to थ्योरी ये है बेसिकली कि एक पावर को अपने एरिया के अंदर सबसे बड़ा गुंडा बनना पड़ता है या कंट्रोल करना पड़ता है. दे हैव टू बी अ रीजनल हेजेमोन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी द ग्लोबल हेजेमोन. मेरी जाती थ्योरी ये है कि चाइना इज ट्राइंग टू रैंप अप इट्स रीजनल कंट्रोल, बिकॉज जब तक उसका अपना बैकयार्ड स्ट्रांग नहीं होगा इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू ग्लोबल पावर. एंड दैट इज वेयर आई सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग. इट वॉन्ट्स रीजनल इन्फ्लुएंस. And whether people like to agree or not, China ka sirf ek bahut bada competitor hai region ke andar aur wo India hai. And for me, this is just the beginning. Acha, isme na ek cheez aur badi important hai. While we are talking about the India and China, India ne retaliate isliye bhi nahi kiya ki ek do unko pata tha ki they could ill afford, kyunki although America is somehow or the other supporting India in behind the scene, lekin obviously wo kabhi bhi ye baat is tarah se nahi openly bolenge ki we are, but obviously they are. बट प्रॉब्लम है कि आप अगर इंडियन मीडिया देखो व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव टेबल द टर्न टुवर्ड्स अस. जैसे अगर आप देखो इस पेंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा द लीस्ट पॉसिबल थिंग ऑब्वियसली इंडिया कुड डू इज टू शिफ्ट देयर पीपल और देयर मीडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान. और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि LOC पर जितना ज्यादा अभी इस पेंडेमिक में अटैक हुआ इतना कभी भी नहीं हुआ. एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 700 अटैक्स वर बीइंग फॉर्म्ड इन द लास्ट 5-6 मंथ्स जब से आपका ये साल शुरू हुआ है. तो दैट इज आल्सो वन थिंग व्हिच इंडियंस आर ट्राइंग टू मोल्ड देयर इंटरेस्ट अपॉन. डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? आई एग्री. और इसके अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है, इसके अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट भी है. आई थिंक इन वन ऑफ द पेपर आई राइट बिफोर कमिंग फॉर दिस सेशन वाज के दिस हाइपर नेशनलिस्टिक एजेंडा सर्व्स द बीजेपी गवर्नमेंट अ लॉट. ठीक है, एंड दे हैव बीन वेरी they have been able to use this Pakistan card to rally up local interest. ठीक है, by some account I remember जब Brookings का इंडिया की इलेक्शन, अभी रिसेंट इलेक्शन से पहले Brookings की एक सेमिनार हुआ था, उसमें यही बात हुई थी कि this Indian government was not doing very well on the economic front. You know, joblessness is hitting a peak. There were other indicators that were not doing very well. And so this idea ke, you know, turn the tables towards Pakistan is the oldest trick in the book, by the way, for nation states to pull. So you, what you create is basically a narrative of the other enemy. Or India ki case mein, Pakistan ki case mein, the other enemy has always been each other. It's very easy to do it because the people don't know much about it. They're least interested in knowing about each other. And so it is a very convenient enemy. Or in China's case, I believe absolutely, you're absolutely right ki distraction Pakistan bahut aasani se ban jata hai. And so they can divert their local population's attention towards, oh, look what is Pakistan doing. Oh, look, we're teaching Pakistan a lesson, right? And so people do not hold their government accountable. But you need to remember that the Indian government actually got a lot of, they got a pushback from the opposition parties. In fact, one of the largest pushback that they got was, you know, aap China ke against koi baat kyun nahi kar rahe hain? And I think that is what they wanted to subdue, ke itna opposition aa raha tha unki taraf. Sorry, go ahead. हाँ नहीं सही बात है. और पाकिस्तान का तो ये भी है ना रुताबा कि हमारे यहाँ आपको पता है हमारा जो उनके साथ चाइना के साथ एक रिलेशन है
बहुत अरसे से है, एवर सिंस पाकिस्तान बिग स्टैब्लिश, जब चाइना स्टैब्लिश हुआ था हमारे बाद, उसके कुछ अरसे बाद से हमारा रिलेशनशिप है, और अभी इट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. तो बिफोर वी एंड, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस एज वेल, के व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, के चाइना इज नाउ बिकमिंग द पावर विच विल इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स यू कैन से रिप्लेस अमेरिका. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन पाकिस्तान साइड, हाउ फ्रूटफुल दिस रिलेशनशिप कैन बी वन चाइना विल बिकम द पावर, द सुपर पावर? पहले तो आई डोंट नो इफ चाइना वुड रिप्लेस द, आई विल वेरी हेल्दीली डिसएग्री विद यू ओवर हियर, बट यस देयर आर इंडिकेटर्स फॉर अस टू बिलीव कि हो सकता है ऐसा हो. बट चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर उसका नेक्सस क्या, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिड दिस इंटरव्यू विद कामरान खान रिसेंटली, वेर ही वेरी ओपनली सेड, ये तो पाकिस्तानी जान लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ है. That's a very extraordinary comment to make, because your prime minister just explicitly said that the future for Pakistan's foreign policy or unki approach lies with China. And so that's the state narrative, by the way. And usse badke to I cannot quote you anything that would prove that, you know, Pakistan has chosen its sides, you know. मेरे जाती ओपिनियन इस मामले में क्या है, बहुत डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, बट आई डोंट नो इफ यू वुड वांट टू हियर दैट, बिकॉज फॉर मी देखिए चाइना का अपना इंटरेस्ट है रीजन में, ठीक है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है सीपैक पे, चाइना का अपना इंटरेस्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे, और ये जो थोड़ा लद्दाख वाला सीन हो रहा है ना, यू नीड टू रिमेंबर दैट सीपैक आएगा चाइना के प्रोविंस से ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर टू पाकिस्तान एंड देन टूवर्ड्स द ओशन over here. And so one thing that I think Pakistan gains from this is legitimization of the fact that Kashmir, instead the Azad Kashmir, that definitely is part of Pakistan. I think that's a brilliant maneuvering, right? Because the project is called China Pakistan Economic Corridor, right? So essentially jab aapka project Kashmir se hote hue guzrega, Azad Kashmir se, what does that tell you about Kashmir? It tells you that Kashmir is part of Pakistan. And I think that's a brilliant strategic move. Obviously, it will be met with a lot of resistance, as it has been from the India counterpart. But I think that the ties between Pakistan and India will, sorry, Pakistan and China will continue to go deeper. That's very clear from the official narrative. Absolutely. To Rotaba, it's been a pleasure talking, and I want this discussion to go on and on and on. Because intriguing and interesting topic, especially for people who are interested to know about a bit regarding this, especially this regional politics, jo hamara khitta hai, jisko hum subcontinent bhi kehte hain, jisko hum jo chahe keh le, lekin isme jo hone wali happenings hain, iske bare mein hum log baat karte rahenge in the next videos too. But before we end this session, last mein kya comment karogi, Kashmir kis tarike se Pakistan aur Kashmir aur ye jo India ka pura mamla hai, what do you think onto this? क्या ये lockdown जो कश्मीर में for the last 1 year or so है, ये रहेगा? What do you think? या फिर world जिससे इमरान खान कह के कि थक गया कि भाई कश्मीर के बारे में कुछ तो बोल लो, do you really think कि world will stand with Pakistan or it will remain as it is? But that's a very difficult question. Very honestly, I don't know कि दुनिया किस तरफ जाएगी, क्योंकि you know हर आने वाले एज इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट्स हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं. मैंने कहा हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं. हाँ, हम स्पेकुलेट करते हैं, हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं और उसको प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं. बट द वे थिंग्स आर गोइंग, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड India's maneuvering, number one. It is very similar to Israel's maneuvering in Palestine, right? Kya wo MO istemal kar rahe hain, kya wo techniques istemal kar rahe hain? So we have seen what's happening. And so, uski base pe, you can easily speculate what India is going towards, which is complete control and sort of annexation of Kashmir. So there is no doubt about that. But there's a strong indication towards it. So we need to understand that. And Pakistan's end, I think they are trying to do the best that they can, which in terms of, you know, rallying diplomatic support. How successful they have been is kind of iffy, because we need to do a much better job, because इंडिया की तरफ से ऑपोजिशन, मीन इंडिया की तरफ से मैन्यूवरिंग बहुत क्विकली हो रही है, बहुत फास्ट पेस हो रही है. फॉर द वर्ल्ड इटसेल्फ, आई थिंक द वन इनिशिएटिव हमारे बहुत बड़ा ये है कि हमें OIC के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिल रही ना. OIC तुम देखो, दो
आती हूँ आती हूँ आती हूँ उससे भी आती हूँ। जिस मन सिंह जो दुनिया के लिए आई थिंक और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उठानी चाहिए और हर नेशन को, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान, इज द फैक्ट दैट दिस इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। जिसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का मतलब है तीनों ममालिक के पास, चाइना इंडिया पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और कश्मीर एक कंटेस्टेड इलाका रहा है और उसके ऊपर दो जंगें ऑलरेडी हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान में। तो दुनिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कश्मीर का इशू? मैं थोड़ी देर ह्यूमन राइट को अगर साइड में भी रख लूँ, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कैन रिजल्ट इन डेविस्टेशन अक्रॉस द रीजन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड सो किसी के लिए भी इसको हल्के लेना, किसी भी मुल्क के लिए, ये बहुत खतरनाक बात है। तो मेरे लिए आई थिंक द वन वे वी कैन रियली चेंज द कोर्स ऑफ द डिस्कशन इज टू ब्रिंग टू फर फॉर द आइडिया कि दिस इज अ वेरी डेंजरस रीजन बिकॉज दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और हम लोगों को सक्सेसफुल मिटिगेशन करनी चाहिए और उसमें वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज सूटेड नॉट टू जस्ट दीज नेशंस बट आल्सो टू द पीपल ऑफ कश्मीर। दूसरी बात ओआईसी की बात आपने उठाई, जिस वेरी क्विकली हम जाना चाहूँ, आई थिंक फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स ओआईसी हैज बीन टॉकिंग अबाउट द इशू, बट हमने देखा था जैसे फॉरन ऑफिस की तरफ से एक स्टेट, फॉरन ऑफिस नहीं बट फॉरन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ओआईसी नीड्स टू डू मच मोर एंड नीड्स टू टॉक अबाउट द कश्मीर इशू, विच आई थिंक इज अ फेयर डिमांड बाय एनी नेशन। फिर मी उससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओआईसी कर क्या सकता है। कॉन्फ्रेंस तो बहुत कन्वीन कर ली, सेमिनार बहुत कन्वीन कर लिए, बट क्या ओआईसी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, कश्मीरियों के लिए एक इफेक्टिव टूल बन सकता है? और अगर इफ पीपल हैव दैट फेथ इन दैट प्लेटफॉर्म सो देन दे नीड टू स्टेप अप एंड दैट वुड बी माय फाइनल वर्ड ऑन दैट इशू। एब्सोल्युटली रुताबा, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर इनलाइटनिंग अस इन सच अ वे और आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव लर्नड अ लॉट विद दिस। अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जो इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं विद द यूथ अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट्स टू, ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके उतना अच्छा होगा। अपने अपना गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और रुताबा को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपने कॉमेंट, मेरे फेसबुक पेज क्यूरेटर्स, मेरा इंस्टाग्राम आईडी वकार रजाक 786 और ट्विटर आईडी वकार _रजाक पर जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे क्यूरियस।